नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा मंटन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभासद धनंजय सिंह और सुदेशित बाबा महाविद्यालय के छात्र नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में युवाओं ने बेरिया थाने पर प्रदर्शन किया। वहीं मंटन वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एएसपी संजय कुमार को पत्रक दिया। उन्होंने जांचों उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों का आरोप है कि कई मामले थाने में दर्ज हैं, किंतु पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ज्ञापन देने वालों में सभासद धनंजय सिंह, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रवि सिंह, छात्र नेता शनि सिंह, बेरिया निवासी रवि सिंह, मनोज पासवान सहित दर्जनों लोग शामिल हैं। सिंह भाजपा सभासद 7 नंबर वार्ड प्रतिनिधि बैरिया पश्चिम टोला निवासी। मैं काफ़ी दिनों से भाजपा के लिए कार्य करता हूं। हमारे माताश्री भी मंडल उपाध्यक्ष हैं, काफ़ी दिनों से बूथ अध्यक्ष भी हम हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग भाजपा में, जोगी जी के लिए हम लोग बहुत कुछ किया है, भाजपा के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे ही सरकार में हमारे ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। छोटो बिरादरी जो कि हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि के द्वारा। हम लोगों ने बहुत बार नगर पंचायत में भी आंदोलन किया, बाकी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इस बार हम लोग का आंदोलन अग्रुप रूप लेगा और इसके लिए हम लोग लखनऊ तक जाएंगे और जोगी जी को बताएंगे कि आपकी सरकार में इस बैरिया विधानसभा द्वाबा में आपके कथानुसार कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ की जो प्रशासन है भ्रष्टाचार हो चुकी है, जो कि पैसों के बल पर लोगों का काम कर रही है। यहाँ के एसओ हो या डीजीपी हो या एसपी हो, सभी का यही काम है, गरीबों को सताया जा रहा है और बड़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जय हिंद जय भारत। बैरिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस का यही मतलब है कि राजा और प्रजा कोई भी गलती करे सेम कानून होगा। गरीबों के लिए नियम है, लेकिन जो राजा है उस पर मुकदमा हो रहा है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। या तो गणतंत्र दिवस मनाना छोड़ दें हम लोग, नहीं तो अगर गणतंत्र दिवस है, कानून है सबके लिए, तो उसकी गिरफ्तारी हो। कौन राजा है आपकी नज़र में? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, बैरिया के जनप्रतिनिधि शांति देवी, उसका उनके प्रतिनिधि है मंटन वर्मा, जो यहाँ जमीन का लूट कर रहे हैं, अभी पुल पे लूट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग है, अभी एक पासवान का गया था लूटने, अभी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे चला जा रहा है। तो आज आप बैरिया थाने पे पत्र दिए हैं, किसको पत्र दिए हैं और क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, कानून सबके लिए एक बराबर है, अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे आंदोलन फिर जारी रखेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन